थेल्स ग्रुप अगर आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ थेल्स ग्रुप, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है थेल्स ग्रुप के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे थेल्स ग्रुप की तरफ से कॉल कैसे आया था। तो थेल्स ग्रुप में मुझे एचआर की तरफ से कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि मैंने आपकी प्रोफाइल naukri.com से उठाई और मैंने वहीं से आपको कॉल किया, आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा सुटेबल लग रही है इस पर्टिकुलर रोल के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ चीजें पूछी कि आपको ऑटोमेशन आती है, आपने पाइथन पर काम किया है, डेवऑप्स के बारे में पता है, सिलेनियम पर कभी काम किया है, तो ये सब चीजें उन्होंने उस दौरान पूछी थी। देन उसके अलावा वही बेसिक स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चंस, जैसे कि आपका सीटीसी कितना है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब उन्होंने उस दौरान पूछी। देन फर्दर उन्होंने मुझे सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया कि यहां पे 5 राउंड होंगे, 5 राउंड में अगर तुम शॉर्टलिस्ट होगे देन उसके बाद एक एचआर राउंड होगा जो कि सिर्फ सैलरी डिस्कशन से रिलेटेड होगा। तो ये सारे के सारे राउंड मुझे थेल्स ग्रुप में देखने को मिलने वाले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में। ये एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड था जिसमें बहुत ही ज्यादा डीप में सब चीजें पूछी गई, एकदम जिसको कहते हैं जड़ तक उन्होंने सब कुछ पूछा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें पूछ रहे थे। जिसमें मैं सबसे पहले उन्होंने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आपने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, आपने किस किस कंपनी में काम किया है, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ उनको बताई। देन उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा कि व्हाट इज मंकी पैचिंग, और मंकी पैचिंग के बारे में मुझे जो थोड़ा बहुत डेफिनेशन के बारे में पता था मैंने उनको वो बता दिया। इवेंचुअली कभी मैंने इसको इंप्लीमेंट करके नहीं देखा था तो मैं प्रैक्टिकली नहीं जानता था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि तुम ठीक है अभी बता तो रहे लेकिन इसका कोड भी लिख कर दो। तो मुझे उस टाइम पे कोड नहीं लिखने आता था तो मैंने नहीं लिख पाया मैं उस टाइम पे। देन उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो मैंने दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने कभी अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया है तो किस तरह से किया है, तो मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई। देन उन्होंने उसके बाद मुझसे कोड भी लिखवाया इसी चीज का, मैंने वो दोनों चीजों का कोड उनको लिखकर दे दिया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन था कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ डिक्शनरी, ये तो चलो इजी था मैंने उसी टाइम पे करके दे दिया। उसके बाद जो मैंने डिक्शनरी वहां से ऑब्टेन की थी उसी को वो कह रहे थे सॉर्ट दिस डिक्शनरी बाय यूजिंग डेकोरेटर, तो सिंपल उन्होंने सॉर्टिंग नहीं पूछी थी, उन्होंने कहा था इसको एक फंक्शन में डिफाइन करो और उसके बाद इसको डेकोरेटर की मदद से कॉल करो, देन मुझे प्रॉपर बताओ कि सॉर्ट किस तरह से किया, और मैंने ये करके भी उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक स्टेप पूछा कि यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा था, तो पूरा मेरे को वहां पे वो एक्सप्लेन करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड था लिस्ट से, जो कि था अपेंड और एक्सटेंड की प्रॉपर्टी, कि लिस्ट में अपेंड और एक्सटेंड की प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, मुझे उसके बारे में बताना था। तो उन्होंने उस दौरान 2 लिस्ट मुझसे बनवाई, दोनों में मुझे अपेंड और एक्सटेंड के रिजल्ट के बारे में पूछा, और ये तीनों कोडिंग क्वेश्चंस थे। लेकिन हाँ, जितने भी बाकी क्वेश्चन पूछे थे उन सबकी भी उन्होंने कोडिंग ही लिखवाकर देखी थी। देन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके बताओ मुझे पाइथन में, तो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने किस किस फ्रेमवर्क पर काम किया है, तो मैंने कहा ऐसे जांगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे पूछा कि ठीक है तुम मुझे फ्लास्क में प्रॉपर फ्लो बताओ कि कैसे कैसे फ्लो चलता है, जैंगो में पूरा फ्लो बताओ कि किस तरह से फ्लो चलता है, तो मैंने दोनों में सारा का सारा फ्लो एक्सप्लेन करके बताया। और उन्होंने उस दौरान पूछा कि ठीक है तुम मुझे कोड लिख कर दो और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके बताओ जैंगो में, तो जैंगो में आपको भी पता है कि पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करके देना पड़ता है, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से settings.py फाइल से शुरू किया और उनको पूरा का पूरा वो प्रोसेस एक्सप्लेन करके दिया किस तरह से हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, वो सब के सब वहां पे बताए। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ठीक है HTTP मेथड्स क्या होते हैं उनके बारे में बताओ, तो मैंने HTTP मेथड के बारे में उस टाइम पे सब चीजें बता दी, पहले तो डेफिनेशन बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इसको कोड में किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो जो मैंने उस टाइम पे जैंगो का स्ट्रक्चर तैयार करके दिया हुआ था मैंने वहीं पे बता दिया कि views.py वाली फाइल में हम मेथड्स को यूज कर सकते हैं, पुट पोस्ट गेट और डिलीट, इसके बारे में मैंने बता दिया। देन उसके बाद क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच, तो उस दौरान मैंने ये चीज बताई कि दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेल्फ कीवर्ड क्या होता है पाइथन में, ये बिल्कुल भी उन्होंने आराम से चीज नहीं पूछी थी, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में ये चले गए कि सेल्फ को अगर हम नहीं यूज करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, सेल्फ को यूज करेंगे इंटरनली सेल्फ किस तरह से वर्क करता है, प्रॉपर सेल्फ के बारे में उन्होंने A to Z वहां पे सब कुछ पूछ लिया। तो मैंने थ्योरेटिकली तो सब कुछ बता दिया, फिर बारी आई उन्होंने कहा कि ठीक है इसको कोड में लिख कर दो, तो मैंने 2 क्लासेस ऐसे डिफाइन की उसमें सेल्फ कीवर्ड बनाया और किस तरह से इसमें कॉलिंग जा रही है उसमें उन्होंने उस सब चीजों के बारे में पूछा, एकदम डिटेल में सब चीजों के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक मेथड एंड अ क्लास मेथड, तो पहले तो मैंने डेफिनेशन सब कुछ बता दिया लेकिन उसके बाद उन्होंने कोड भी लिखवा कर देखा, तो ये इजी था तो मैंने वो सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। देन उसके बाद उन्होंने एक ऐसी टर्म यूज की जो कि मुझे आइडिया ही नहीं था, मैंने तो सुनी भी पहली बार थी कि डक टाइपिंग क्या होती है,
मैं कंफ्यूज, मैं क्या, मैं तो सुना भी नहीं है कभी ये चीज कि डक टाइपिंग भी होती है कुछ पाइथन में। बाद में मैंने, हाँ ऑब्वियसली बाद में इंटरनेट पर जाकर रिसर्च किया था कि होती क्या, बाद में मुझे पता चला, लेकिन उस टाइम पे मैं एकदम क्लूलेस होकर बैठा था कि यार डक टाइपिंग भी कोई चीज होती है। देन उसके बाद उन्होंने जेंगो की एक दो ORM क्वेरीज के बारे में पूछा। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका पोर्ट नंबर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक, बाहर आकर जैसे मैनेज पाइथन मैनेजर py रन सर्वर, उसके बाद हम पोर्ट डिफाइन करते हैं, वहां पर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन वो इस आंसर से भी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा कोई और वे बताओ। तो मैंने कहा कि फ्लास्क में होता है कि हम कोई भी फाइल में जाकर app.py फाइल में जाकर वहां पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पोर्ट नंबर को लेकर, लेकिन जेंगो में मुझे नहीं पता कि फाइल में जाकर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मैं उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही वे के बारे में पता था उस टाइम पे। देन उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय MRO, MRO क्या होता है। देन उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेन करने को बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह से वर्क करती है और जावा में किस तरह से होती है और पाइथन में किस तरह से होती है। उन्होंने प्रॉपर फ्लो पूछा, उसके बाद उन्होंने इसी के बेसिस पे कोड भी लिखवा कर देखा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारा टेस्टिंग में कुछ एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा कि एज सच तो कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत टेस्टिंग की हुई है, मैंने ट्रेनिंग भी की हुई थी। तो मैंने उन सब चीजों के बारे में बताया कि इन सब चीजों में काम किया। देन उन्होंने कहा कि ये प्रोफाइल तो ज्यादा ऑटोमेशन टेस्टर के लिए है, ना कि एक डेवलपर के लिए, लेकिन हाँ पाइथन की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर डेवऑप्स का काम भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मोस्टली इसमें ऑटोमेशन का काम रहेगा, ऑटोमेशन टेस्टर से रिलेटेड का काम रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आइडिया है। तो उन्होंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे कि सेलेनियम को किस तरह से यूज किया जाता है या फिर ऑटोमेशन क्या होती है, UI ऑटोमेशन किस तरह से की जाती है, उसको टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, सिलरी क्या होता है, सिलरी को पाइथन में किस तरह से यूज किया जाता है, अगर आपने कभी अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है तो किस तरह से यूज किया, उसके बारे में उन्होंने सब चीजें पूछी। देन इतना ही उन्होंने पाइथन के रिलेटेड पूछा। पाइथन के बाद अब नंबर आता था डेवऑप्स के बेसिस पे, जिसमें उन्होंने प्रॉपर पूछा कि तुम डेवऑप्स के लिए कौन सा टूल यूज करते हो, जेनकिंस के बारे में बताओ, डॉकराइजेशन क्या होती है उसके बारे में बताओ, तुम्हारे प्रोजेक्ट में किस तरह से प्रॉपर फ्लो चलता है, मतलब कि QA क्या होते हैं, पर्फ टेस्टिंग क्या होती है, देन उसके बाद स्टेजिंग या फिर प्रोड सर्वर क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में उन्होंने फ्लो में पूछा। देन डेवऑप्स के क्वेश्चंस के बाद उन्होंने लिनक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कि लिनक्स पर क्या तुमने कभी काम किया है। तो मैंने कहा हाँ काम किया हुआ है। वो उससे रिलेटेड कमांड्स पूछने लग पड़े कि किसी भी चीज में ग्रेप को किस तरह से यूज किया जाता है, हम किसी भी फाइल को रीड किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी फाइल को जिप किस तरह से कर सकते हैं, अनजिप किस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्टरी किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सब उन्होंने बेसिक कमांड मुझे उस दौरान पूछी। और एंड में उन्होंने मुझे ये चीज पूछा था डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मेरा जो उस टाइम पे डाउट था कि क्या ये पोजीशन जो है वो प्रॉपर ऑटोमेशन टेस्टर की है या फिर एक डेवलपर की है, तो मैंने उनसे प्रॉपर वो क्लैरिटी मांगी। देन उन्होंने मुझे सारा का सारा एक्सप्लेन करके बताया कि ये इस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है, ये काम होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब चीजों के बारे में उन्होंने मुझे उस दौरान बताया। और उसके बाद ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो गया। और उसके बाद मुझे भी एक्चुअली उम्मीद थी कि नहीं सिलेक्ट होऊंगा या फिर नहीं हो पाएगा, और सेम चीज मुझे बाद में कंफर्म भी हो गई। मैंने HR को बाद में कॉल किया अगले ही दिन और मैंने कहा कि मुझे फीडबैक नहीं मिला। और अगले ही दिन उन्होंने एक मेल भेजी जिसमें वो सब चीजें मेंशन थी कि मुझे किन किन चीजों पर वर्क करना चाहिए, मेरी क्या क्या चीजें अच्छी हैं। ये सब चीजें देखकर मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई कि सीरियसली इन्होंने जो फीडबैक भेजा था वो मुझे आज तक किसी भी कंपनी से फीडबैक नहीं मिला। और जैसा भी इन्होंने फीडबैक मुझे भेजा था कि मुझे इन इन चीजों पर काम करने की जरूरत है और ये चीजें मेरी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लगी, क्योंकि जनरली लोग इस तरह की मेल नहीं भेजते या फिर मुझे कभी इस तरह की मेल नहीं मिली। जब भी मुझे कोई रिजेक्शन भी मिलती थी तो HR बस कह देते थे कि आप रिजेक्ट हो गए और दो चार रीजन बता देते थे जो कि मुझे काफी ज्यादा वैलिड नहीं लगते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने मुझे प्रॉपर रीजनिंग दी, प्रॉपर एक एक चीज उन्होंने एलैबोरेट करके बताई थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लगी और मेरे फर्दर इंटरव्यूज में वो बहुत ही ज्यादा काम भी आई। मैंने उन सब चीजों पे वर्क करना शुरू किया और जितने भी मैंने उसके बाद इंटरव्यूज दिए थे बहुत ही ज्यादा इंटरव्यूज में शॉर्टलिस्ट भी हुआ। तो ये था मेरा थेस ग्रुप के साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।